नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने सिद्ध गृहस्थ संत नित्य लीलानी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्वार तपोभूमि गीता वाटिका पहुंचे, जहाँ भाई जी के 130वें जयंती महोत्सव में बतौर अध्यक्ष शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी ने मंदिर में देर शाम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर बैठक की। अगली खबर संभल से है, जहां अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, उससे कांग्रेस अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब होगी। बीजेपी भी कांग्रेस की तर्ज पर पदयात्रा निकालने जा रही है। एसपी सांसद ने मदरसों के सर्वे और वक्फ संपत्तियों की जांच पर भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। भाई, सवाल यह है कि अभी इन्होंने पहले मदरसों के लिए कहा, अब मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाए, उस पर पैसा नहीं है, गरीब है मुसलमान। तो इन हालात में अगर वो अपने प्राइवेट स्कूल चला रहा है, तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, और इस पर भी तुम सर्वे करा रहे हो, जांच करा रहे हो, तो बताओ कि आसमान से टपक रहे आकर मुसलमानों पर आपस में चंदा करके मदरसे चलाते हैं वो। लेकिन इनको ये भी नहीं है, ये मुसलमानों की तालीम से भी खुश नहीं है। मुसलमानों के बच्चे आखिर कैसे पढ़े? इन्हें आज इंसान हिंदुस्तान के कितने लोग हैं भूखे मर रहे हैं, और महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो ये फिक्र नहीं कि इंसान ये मर जाएंगे, कैसे बचेंगे, इनको खाने को कहाँ से आएगा, और ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही हैं, बहरहाल इन्हें इसकी फिक्र होनी चाहिए, बजाय इसके लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कहा कि साहब मदरसों में लगा दो, मुसलमानों को इनमें लगा दो, कि अपने पास ये सब तनकीद करना भूल जाएं, या ये मांग करना कि भाई सरकार हमारे बच्चों को तालीम दे। लोकसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी एजेंडा और समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। बीजेपी ने यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर के दोहराने के लिए, बल्कि क्लीन स्वीप करने के लिए भी टारगेट सेट कर लिया है, जिसके लिए पुराने सहयोग के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी साथ लेने की कवायद तेज हो गई है। इस तरह अगर राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, ये तीनों ही दल बीजेपी के साथ रहे, तो पूर्वांचल में सपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर अपराधी के पास से गौवध करने का उपकरण भी बरामद किया गया है, साथ ही एक जिंदा गाय भी बरामद की गई है। पुलिस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई तेज कर दी है। गौकृषि करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गौकृषि में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त अमीरुल हसन को बिलकी पुलिस ने गौकृषि के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला अधिकारी आर्यका अखौरी ने पदभार संभालते ही जिला पंचायत हॉल में देर शाम मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की, जिले के हर पहलू पर प्रकाश डाला और अपनी प्राथमिकताओं को दर्ज कराया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जिले के कर्मियों को ध्यान में रख करके हर समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। खासतौर पर डीएम ने अपराधियों पर नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर के तहत कार्य करने की बात कही और कहा कि मीडिया सूचना के तंत्र हैं, उनकी सूचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। देखिए, गाजीपुर जनपद बहुत बड़ा जनपद है, पुराना जनपद है, और यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। उस परिवेश में सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि शासन की जो भी मंशा है उसके अनुरूप कार्य करके आम लोगों तक शासन की मंशा के अनुसार काम हो, उनको हर योजना का लाभ मिले, उनकी शिकायतों का स्पीडी डिस्पोजल हो और गुणवत्तापूर्ण डिस्पोजल हो,
मात्र मार्क कंप्लेंट ना कर दी जाए, बल्कि जो भी नीचे लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं उसको ग्राउंड पर जाकर उसका निस्तारण करें और इसका फीडबैक हम लेंगे शिकायतकर्ता से। तो एक हमारा प्राथमिकता ये रहेगा। दूसरा, जितनी भी हमारे निर्माण कार्य हैं उनको समय से पूर्ण कराना और जो लंबित चल रहे हैं उनको गति देना, धर्मभाव में जो है उसके लिए पत्राचार करके बात करके बजट की मंगवाना और उसको पूर्ण कराना। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।